देख बिना पे डाउनलोड तक ऐप। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सदब जाफर, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी और पवन राव अंबेडकर की जमानत पर फैसला आज शाम तक आ सकता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी समेत अन्य लोगों को 19 दिसंबर को हुई लखनऊ हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस, सपा समेत विपक्ष की पार्टियों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और योगी सरकार से रिहाई की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 30 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की थी। कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील से पूछा था कि आखिर इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। कोर्ट के सवालों पर सरकारी वकील ने जवाब देते हुए कहा था कि धारा 144 लागू होने के बाद भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील से साफ लफ्जों में पूछा कि क्या धारा 144, क्या CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए किया गया था। अगर नहीं तो आप धारा 144 लगा दें और कारण भी ना बताएं कि क्यों धारा 144 लगाया गया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। सामाजिक कार्यकर्ता सदफ के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ और बेल को लेकर जज ने क्या कहा। आज जो बेल हो रही थी, जो ये लोग पकड़े गए हैं निर्दोष इस मामले में विरोध करने में, उनकी आज बेल लगी हुई थी जी। तो हम लोग उसी में अध्यक्ष जी के निर्देश पर पैरवी कर रहे थे जी। तो सर, सुनवाई बेल की पूरी हो गई, अब क्या उम्मीद है सर? देखिए, आज जो बेल की सुनवाई है वो अमीनाबाद थाने से 4 लोगों की थी, उनकी हो गई है। हजरतगंज थाने से 4 लोगों की थी, उनकी हो गई है। और जज साहब का मुख्य जो उद्देश्य था बहस में, जो उन्होंने सरकारी वकील से पूछा, सरकारी वकील ने जैसे कहा कि साहब वो विरोध कर रहे थे और धारा 144 लगी हुई थी, तो जज साहब का मूल कहना ये था कि जो धारा 144 लगी हुई थी, क्या CAA और NCR का विरोध करने के लिए लगी हुई थी, इससे रोकने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो आप धारा 144 सब जगह लगा दें, और अगर उसमें स्पेशली ये लिखा हुआ नहीं है कि CAA और NCR का विरोध करने के लिए, रोकने के लिए लगाई गई है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जवाब सरकारी वकील दे नहीं पाए, और IO को भी तलब किया था, अमीनाबाद का भी IO आया था, और ये हजरतगंज थाने वाली जो बेलें थी उनका भी IO आया हुआ था। तो जज साहब ने बेल सुन ली है, और उसमें हम लोग तो सदफ जाफर की वजह तरफ से और दारापुरी जी की तरफ से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन चूंकि सब लोग पीड़ित हैं इसलिए हम लोग जितनी बेलें पेश हुई उसमें सब उपस्थित रहे और जज साहब को कन्विंस करने का प्रयास किया। जज साहब लगता है कन्विंस है, लेकिन उन्होंने आर्डर रिजर्व कर लिया है और शायद 3 या 4 बजे के आसपास आदेश आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।